गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि नागपुर महानगर पालिका में पिछले 15 साल से भाजपा की सत्ता है। इन 15 वर्षों में भाजपा ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर जनता के पैसों की लूट जारी रखी है। नागपुर वासियों को 24 घंटे जलापूर्ति का सपना दिखाया गया, लेकिन अधिकांश इलाकों में एक घंटा पानी भी नहीं मिलता। हिमालय लॉन में हुए सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री का स्वागत करते पार्टी के कार्यकर्ता, शहर की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है, ये टिप्पणी करते हुए स्थित हिमालय लॉन में शुक्रवार को तैयारी करनी है। आगामी दिनों में इस दौरान पूर्व मंत्री रमेश बंग, पूर्व वलसे पाटिल ने आगामी चुनाव में हुई सभा में उन्होंने आगे कहा कि शहर से विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ गठबंधन हो या ना हो, लेकिन एनसीपी को 151 सीटें की तैयारी करनी होगी। इस दौरान गुलमोहर लॉन में कार्यकर्ताओं ने पार्टी में प्रवेश किया। वलसे पाटिल ने कहा कि केंद्र में यूपीए सरकार के समय किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ते ही भाजपा की टीम आंदोलन के लिए सड़क पर आती थी, जनता को गुमराह करके आंदोलन किया जाता था। अब पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, हर वस्तु महंगी हो गई है, लेकिन अब भाजपा के आंदोलनकारी कहाँ छिप कर बैठ गए।